हेलो फ्रेंड्स, जय श्री महाकाल। तो फिर से आपका स्वागत है हमारे कुकिंग फनी ब्लॉग्स में। तो हमारे पास थे 3 आलू बचे हुए, तो हमने सोचा इसका क्या करें। तो हम बना रहे हैं इसके क्रिस्पी क्रिस्पी पकौड़े। तो हम इसको छील लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग सब कैसे हैं कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और आपको हमारी रेसिपी कैसी लगती हैं ज़रूर बताएं, रिस्पॉन्स दे प्लीज़। तो हम आलू को छीन लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, हमने आलू छीन लिए हैं, अब हम अपनी प्रक्रिया शुरू करते हैं। थोड़ी सी नमक मिर्ची ले ली है, थोड़ी सी नमक, थोड़ा सा गरम मसाला, तो इधर देखिए हम इधर घोल भी तैयार कर रहे हैं। गाढ़ा सा पेस्ट एकदम पकौड़ों के लिए, थोड़ा सा पानी डालें, नमक, तो इसमें हमने अपना मसाला थोड़ा सब डाल लिया है। तो हमारा घोल, तो हमारा देखिए पूरा घोल रेडी है। मैश करेंगे आलू को अच्छे से। तो थोड़ा सा अरारोट, इसमें भी थोड़ा सा, इसमें भी थोड़ा सा, थोड़ा सा इसमें बेसन डाल देंगे जिससे हमारे पकौड़े बढ़िया हों। थोड़ी सी इसमें हल्दी, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दो को भी करते हैं मिक्स। और हम इधर रख देते हैं अपने तेल गरम करने के लिए। हमारा तेल गर्म होएगा, इतने हम अपने गोल 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 पकोड़े अपने रेडी कर लेते हैं। इसमें हरी मिर्ची डलती तो हमारे पास है नहीं, तो हम सॉरी
कर पाएंगे। ये थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट डाल लेते हैं, जिससे थोड़ी सी मज़ेदार स्वाद आ जाए। थोड़ी सी ग्रीन चटनी, अपने ऐसे ही गोल गोल पकौड़े बनाकर इसमें डालते रहते हैं डो में। सॉरी, क्या रहे हो, जो भी है बेसन का घोल। तो मर देखिए, तेल इधर गर्म हो चुका है। है ना वो भजन उसमें सत्संग में। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे क्रिस्पी क्रिस्पी लजीज पकौड़े बनकर रेडी हैं। ओ तेरी क्या मस्त खुशबू आ रही है। तो हम निकाल लेते हैं प्लेट में। हम प्लेटिंग करके दिखाते हैं आपको, प्लेट में लगा के दिखाते हैं प्लेट बने हैं। ये देखिए कुछ पकोड़े हमारे यहाँ से निकले हैं, मात्र 3 आलू के। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे पकोड़े क्या मस्त क्रिस्पी क्रिस्पी बने हैं। देखिए ओह बहुत तेरी मज़ा आ जाएगा खाने में, आ जाइए फ्रेंड्स। तो देखिए ये हमारे जो हमने रेडी करी है। तो फ्रेंड्स, हमारे पकोड़े बनकर रेडी हैं। तो हमारे पकोड़े की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताएं, और हमारे चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को।
और हमारे पकौड़ों की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो एंड ब्लॉग में। जय श्री महाकाल। देखिए फिर से एक बार हमारे पकौड़े क्रिस्पी क्रिस्पी और एक ग्रीन और रेड चटनी के साथ हमने सर्व किया। तो फ्रेंड्स फ्रेंड्स ज़रूर बताना कि आपको हमारे पकौड़े की रेसिपी कैसी लगी। बाय बाय, फिर से आपको जय श्री महाकाल।